हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई है। ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है, तो वहीं विपक्ष पर नोटबंदी को लेकर भी मोदी ने जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ऊना में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर ताना मारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए उन्होंने हिमाचल चुनाव में मजा नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के चुनाव को एक तरफा बताया और भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर निशाना साधा और कहा कि जनता कांग्रेस की कार्यशैली और इरादों को जान चुकी है, इसकी वजह से जनता कांग्रेस और बीजेपी के कामों की तुलना कर सकती है। इससे जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सरकारों को काम करने वाली सरकार बताया। मोदी ने जनता की नब्ज को छूते हुए ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस रेल लाइन की देरी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने ऊना हमीरपुर रेल लाइन पर काम बढ़ाने का श्रेय अपनी सरकार को दिया और साफ किया कि उनकी सरकार ने लोगों की मांग को देखते हुए लंबे समय से लटकी इस रेल लाइन के काम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के विकास को टूरिज्म से जोड़ा। मोदी ने हिमाचल में यातायात व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को जताया। चुनावी रैली में मोदी ने अपने को करप्शन से लड़ने वाला नेता बताया। मोदी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला और उसे गरीबों का हक छीनने वाला और करप्शन को संरक्षण देने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के बयान का जिक्र किया और बीजेपी को गरीबों का हक दिलाने वाली पार्टी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का समर्थन किया और इसे काले धन के खिलाफ ठोस कदम बताया। उन्होंने फर्जी कंपनियों का जिक्र किया और फर्जी कंपनियों के भंडाफोड़ के लिए नोटबंदी को श्रेय दिया। मोदी ने 8 नवंबर को काला दिवस मनाने के विपक्ष के ऐलान को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को काले धन से बचाने के लिए और कड़े कदम उठाने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने हर चुनावी भाषण में नोटबंदी को जोर शोर से उठाते हैं और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक नोटबंदी ने भारतीय समाज को अमीरों और गरीबों दो खेमों में बांट दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है।